राइट और रॉन्ग? यस सर, फ्रॉम क्लास ए। यस यस। सो इट इज अ प्राइवेट। तो व्हाई प्राइवेट एड्रेस का मतलब क्या होता है? प्राइवेट एड्रेस मीन्स इट इज नॉट रूटेबल ऑन द इंटरनेट। ओके, सो नॉर्मली व्हेन यू आर फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू सेंड डेटा टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ओके, एट दैट टाइम यू रिक्वायर अ पब्लिक एड्रेस। बट आप तो काम कर रहे हो प्राइवेट एड्रेस पे, ओके, देन हाउ इट इज गोइंग टू वर्क आउट? ओके, फॉर दैट वी हैव समथिंग विच इज नोन एज नेट। तो नॉर्मली क्या होता है, लाइक यू नो देर इज अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके, अब इंटरनेट सर, अब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, इन दैट ऑर्गेनाइजेशन यू हैव मैनी सिस्टम्स, ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव 1000 कंप्यूटर्स, तो हाउ मैनी पब्लिक आई पी एड्रेसेज आर गिवेन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन? इतने पब्लिक आई पी देने होंगे हमको, हाउ मैनी पब्लिक आई पी विल यू गिव for this? Sir, we have to give only one IP. Is it, sir? How many IP? By we have in Nirma we access by only one IP. You access by only one IP. Okay, correct. So, अब ये 1000 computers को हम कैसे, उन 1000 computers may have many interface. Okay, कई सारे interface भी हो सकते हैं। तो अब आप ये समझो देर इज वन पब्लिक आईपी विच इज अ पब्लिक लाइन, ओके, पब्लिक कनेक्शन और अ पब्लिक लाइन, हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट दिस पब्लिक आईपी एड्रेस इनटू दीज मेनी सिस्टम्स? कैसे करोगे? व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली? तो फॉर दिस you require something which is known as address translation. देखो, आप in like in Nirma, you are using a private address, okay? So like I maintain a table which is known as a net table, okay? Which is known as a net table. अब इस net table में क्या है? I maintain some entries. I like for example 10.1.2.3. इसका public IP क्या है? जैसे मान लो 59.50.24.1, दिस इज वन विच इज गिवन टू यू बाई ISP. इफ देर इज अ सिस्टम 10.2.4.5, ओके, इसके लिए आपका पब्लिक आईपी क्या है? 59.50.24.1. तो बेसिकली द आउटगोइंग राउटर एक्चुअली इज असाइंड दिस आईपी एड्रेस एंड रिमेनिंग ऑल द आईपी एड्रेसेस दैट यू आर असाइनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन are basically your private address. So now what we have to do, we have to convert a private address to a public address. ये बात समझ में आई? Why this is required? Yes, sir. Yes. Okay. So each private IP address is required to be mapped to a public IP address. Okay. So now you can see, you read this with static net. Routers or firewalls translate one private IP address to a single public IP address. Each private IP address is mapped to a single public IP address. Static net is often not used because it requires one public IP address for each private IP address. Okay, so har private IP address ke liye a public IP address required hota hai. Okay, and static net is normally not preferred. Dynamic net is preferred. But humko samajhne ke liye static se hi start karna padega. So to configure a static net, three steps are required. Configure public private IP address mapping using the IP net inside source. Okay, so it command hai IP net inside. Iska kya matlab hai? Jaise maan lete hain ek router hai aur is pe net implement kar raha hu main, aur ye router ek organization ke network se connected hai. To ye organization uske liye kya hua, aur ye fir ye bahar aapke outside इंटरनेट से कनेक्टेड है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए क्या हुआ? ये इनसाइड हुआ, इनसाइड हुआ कि नहीं हुआ? और ये वाला साइड क्या हुआ? आउटसाइड. यू गेट माय पॉइंट? मींस दिस इंटरफेस इज द इनसाइड इंटरफेस एंड दिस इंटरफेस इज द आउटसाइड इंटरफेस. दिस इज क्लियर और टू यू और नॉट? क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है. तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनल टू दिस राउटर. ओके, this is the edge router, it is connected. So this whatever systems are there on this network, this is the inside network,
एंड दिस सिस्टम इज द आउटसाइड. उसके अलावा जो भी पब्लिक नेटवर्क पे कनेक्ट हो रहे दैट इज माई आउटसाइड नेटवर्क. ओके, सो दैट इज वाई देयर आर टू रीजंस. वन इज योर इनसाइड रीजन, वन इज योर आउटसाइड रीजन. सो व्हेन यू कॉन्फिगर यू सी आईपी नेट इनसाइड कमांड. आईपी नेट इनसाइड मतलब इनसाइड सिस्टम को कॉन्फिगर करेगा और आईपी नेट आउटसाइड क्या करेगा, आउटसाइड सिस्टम को कॉन्फिगर करेगा. ओके, सो लाइक दिस इज द कॉन्फिगरेशन. ओके, सो दैट देयर इज वन कंप्यूटर. सो वी एज्यूम दैट इन आवर नेटवर्क वी हैव ओनली लाइक दिस कंप्यूटर, इट इज कनेक्टेड टू अ राउटर R1. सो दिस कंप्यूटर इज बेसिकली द इनसाइड इनसाइड कनेक्शन, राइट? This is visible to you or not, this figure? Yes, sir. It is visible. Okay. And this computer is trying to connect to a server, which is somewhere outside. So, ab ye jo connection hai, ye kya hai, iske liye outside hai. Okay. So, now you can read. Computer A requests a web resource from S1. Computer A ko web resource chahiye. Computer A uses its private IP address. Jaise maan lo, aap Nirma ke andar se, aap koi web page open kar. At that time, what you are trying to do, you are trying to send a web request from your internal server. So, अब ये request सबसे पहले कहाँ जाएगी? अंदर, suppose अपने laptop open किया, तो this TTP request will default gate. Okay, default gate will go to the world. Okay, so computer A uses its private IP address when sending request to router R1. Router R1 will receive the request, change the private IP to the public IP and send the request to S1. You understand now what I am trying to say? Ki aapne suppose aapka IP address hai, you are a system, you are a host. Aapka IP address for example 10.2.7.198 hai. So ye IP address kaisa hai? This is a private class A IP address. Now once it comes to the router, router will do what? It will convert your private address into a public address like 63.4.18.5. ये क्या है? Class A में एक public IP address. Class A, class B, that does not matter. But the thing is, a private IP address is converted into a public IP address. Okay? तो इसको करने के लिए router कैसे convert करेगा? भाई उसके पास कुछ entries होनी चाहिए ना? जैसे उसको ये पता होना चाहिए कि अगर ये आईपी एड्रेस आ रहा है प्राइवेट, तो इसके लिए हम ये पब्लिक आईपी एड्रेस बनाएंगे, राइट और रॉन्ग? सो दैट इज व्हाई इट हाउ डज इट R1 रिसीव्स द रिस्पांस, लुक्स अप इन द नेट टेबल. तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि देयर इज अ टेबल विच इज नोन एज अ नेट टेबल. नेट टेबल का काम क्या है? नेट टेबल का काम है कि ये कन्वर्जन करना. ओके, तो वहां पर एक एंट्री ऐसी होगी जहां लिखा होगा कि अगर इस सोर्स से आ रहा है डेटा तो इसको कन्वर्ट कर दो 63.4.18.5. मतलब अब क्या हुआ, मींस आपने जो पैकेट जनरेट किया उसका सोर्स आईपी क्या था? आपने सिस्टम अपने सिस्टम से जब जनरेट किया तो सोर्स आईपी क्या था? ओके, लिटिल बी अ लिटिल बिट रिस्पॉन्सिव एवरीवन प्लीज. व्हाट इज द सोर्स आईपी? जब आपने अपने सिस्टम से जनरेट किया तो सोर्स आईपी क्या था? सर इट इज 10.0. ठीक है ना, जो प्राइवेट आईपी था. जब ये राउटर पे गया तो राउटर ने क्या किया, अपने नेट टेबल को कंसल्ट किया और नेट टेबल से उसने ये देखा कि एक एंट्री उसको मिलेगी विच विल से दैट इफ दिस इज द आईपी एड्रेस यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस आईपी एड्रेस. सपोज ऐसी कोई एंट्री है, तो अब आपने जो पैकेट भेजा था पैकेट के हेडर में सोर्स आईपी क्या लिखा था? सपोज सोर्स आईपी आपका लिखा था 10.2.7.198. डेस्टिनेशन आईपी आपका लिखा था सपोज फॉर एग्जांपल जो मेरा सर्वर का आईपी है सपोज दैट इज 59.23.45.17. आपके एक्चुअल पैकेट में ये था. जब ये राउटर पे आया तो राउटर क्या करेगा, वो पैकेट का सोर्स आईपी चेंज कर देगा. वो पैकेट का सोर्स आईपी क्या कर देगा? डेस्टिनेशन आईपी. ठीक है ना, this will be the destination IP. Now this packet is now a public IP address packet. So ye ab source IP change ho gaya. Abhi ye packet private tha. To ye outside aapke outside wale router jo WAN mein jo router hai wo usko access nahi kar sakte is packet ko, drop ho jayega. But is packet ko access kar sakte hain. You get my point? What is the meaning of static? Static net mein kya hota hai? Humko ye kaam khud se karna padta hai. Ye jo mapping hai ye hum
खुद से डिफाइन करेंगे. ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू वन सेकेंड. क्लोज दिस. जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई हैव टू ओपन द पैकेट ट्रेसर. Just let me know if packet tracer is visible to you or not. Yes, sir, it is visible. Okay, so this is what I want to do. There is one system, there is one router, and it is connected to a server. So, abhi main, jaise for example, let me write the IP addresses, like for example 10.0.0.2. okay, this is a private IP address. okay, server ka apna IP address hai, jaise maan lete for example 59.50.50.1 or 2, whatever. okay, this is the server IP address. now this is what is the configuration. so 10.0. to ab ye ek line hai aur ek ye line hai. okay, so I have to go to the router. And first thing, I have to identify which is my internal network and which is my external network, outside or inside network. So uske liye humko kya likhna padta hai? I have to write command like this: IP net inside source static this. Okay, so एक बार देख लेके सिस्टम को हमने आईपी क्या दिया, डॉट टू दिया है. ओके, तो डॉट टू कर देते हैं. इसको हमने आईपी क्या दिया है, डॉट वन. अच्छा, डिफॉल्ट गेटवे इज डॉट वन, दिस इज डॉट टू. ठीक है, हाँ. तो अब मैं राउटर पे जाऊंगा और मुझे ये लिखना है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक. लेट मी राइट दिस इन द कॉन्फिग मोड. ओके, कौन से कॉन्फिग मोड में लिखना है, कॉन्फिग आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 10.2.10.0.0.2 एंड दिस इज 59.50.50.1 है कि 2 है, पर मैं चेक कर लेता हूँ. डॉट टू है. ओके, तो 2 है, हाँ, तो दिस इज 2. ओके, so this I have written. then the next thing that I have to write is I have to go to different inter. मुझे ये बताना इनसाइड क्या और आउटसाइड क्या है, तो मुझे इंटरफेसेस चेक करने पड़ेंगे. तो जैसे ये इंटरफेस क्या है, FA00, और ये इंटरफेस है FA01. ओके, सो आई हैव टू गो टू इंटरफेस FA00 एंड आई हैव टू राइट आईपी नेट इनसाइड. then I have to go to FA01, then I have to write IP net outside. अब देखते हैं कि नेट राउटर ने रूट बनाया है कि नहीं बनाया है. ओके, लेट अस सी. शो आईपी नेट statistics. So are you able to view? It is saying total translation 2. आप ये देख रहे हो, यहाँ लिखा है 2 static, 0 dynamic, 0 extended. मतलब हमने static net बना लिया. Okay, let me write one more command to show you exactly. show IP net translation. देखो यहाँ पे क्या लिखा है. Are you able to read? Just yes, let me know. Yes. देखो, inside global, inside local. Okay. So inside local, if it is 10.0.0.2, the global is 59.50.50.1. If it is
10.0.0.2, then the global is 59.50.0.2. Okay, so let me try to ping. So this is pinging. So system is pinging, right? It is pinging. Dekho. Are you able to see? From my yes, internal network system, I am able to pin this. Okay, अगर आप one डाल लो तब भी आप पिन कर पाओगे. देखो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मैंने ट्रांसलेशन बनाया. स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं इसको? देखो स्टैटिक इसलिए बोल रहे कि मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, आईपी नेट इन साइड स्टोर्स स्टैटिक. मतलब what I have done, I have maintained a net table. उस net table में क्या है कि अगर if my network is 10.0.0.2, जैसे मेरा ये इंटरनल नेटवर्क है, this is my internal network, you map it to 59.50.50.2, okay? तो इसीलिए जब मैं इसको पिंग कर रहा हूँ, similarly if suppose I try to go to this system and यहाँ पे पिंग ऑप्शन होगा ना, देखो सर्वर इज ऑल्सो एबल टू पिन. ओके द सर्वर इज ऑल्सो एबल टू पिन द सिस्टम. तो स्टैटिक नेट इज क्लियर टू एवरी वन क्या होता है एग्जैक्टली? वेरी सिंपल व्हाट वी हैव डन. अब आप देखो अब यही चीज यहाँ पे. हाँ बोलो, यू आर सेइंग समथिंग? नो सर, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट शोज द सॉरी आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट यू आर सेइंग. You are asking something? No, sir. I'm just saying. No problem, sir. Continue. Okay. So static net operation. So देखो जैसे अब यही चीज IPv6 से भी हो सकती है. कोई problem है? कोई problem नहीं है. आप IPv6 network बना लो अपना. तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये IPv6 only node है. This is IPv6 only node. Okay. So source address is this. This is my destination address. So destination address, if you see destination address is also a IPv6 address. But यहाँ पे क्या है, in between there is a IPv4 network. Okay, अभी हमने वो scenario नहीं देख रहे हैं जहाँ पे V6 to V4, उसके लिए हमको tunneling implement करना पड़ेगा. Okay, so once we have done tunneling then this is also possible. अभी हम simple पहले net समझ रहे हैं. तो आप ऐसे समझो कि अब इसने क्या किया, this IPv6 address is converted to IPv4 address. And this destination is also converted. So this is basically tunneling. आपने क्या किया कि एक conversion किया, network address को translate किया. But ये जो address है 2001, 2 से start होता है, कोई भी address है, public address है, वो किस में convert हो रहा है? वो 192. If you see, this is a private address. Okay? So this is a public address and this is also a public address. And both the public addresses are being converted into private address. ये कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर रहे हैं? वी आर डूइंग दिस कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली, जस्ट लाइक आई हैव शोन यू, आई हैव डन. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्टैटिक नेट. ओके, नाउ वी मूव टू द डायनेमिक नेट. तो पहले हम देख लेते हैं डायनेमिक नेट क्या होता है, कैसे वर्क करता है. अच्छा, क्या प्रॉब्लम आपको लगती है स्टैटिक नेट में? क्या प्रॉब्लम है? व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम? इज इट पॉसिबल, जब आपका नेटवर्क बहुत लार्ज है, इज इट पॉसिबल टू गिव इट डिफाइन ईच एंड एवरी टाइम? मतलब मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक कमांड लिखना पड़ेगा, आईपी नेट स्टैटिक, देन आई हैव टू गिव टू आईपी एड्रेसेस, वन इज प्राइवेट वन इज पब्लिक, राइट और रॉन्ग?
ये हमें देना पड़ेगा और फिर हमको इनसाइड नेटवर्क डिफाइन करना पड़ेगा और आउटसाइड नेटवर्क डिफाइन करना पड़ेगा, जस्ट लाइक आई हैव डन. सो व्हेन द मैनुअली व्हेन द नेटवर्क्स आर वेरी लार्ज देन दिस मैनुअल कॉन्फिगरेशन इज नॉट अ गुड ऑप्शन. ओके, सो अनलाइक विथ स्टैटिक नेट when you where you manually define a static mapping between a private and public address, dynamic net does mapping to a local address of a local address to a global address dynamically. Okay, ye apne aap karega. This means that the router dynamically picks an address from the global address pool that is not currently assigned. Acha, to iska kya matlab hua ki aapke paas ek pool of IP address hai. This is a global pool. You have a global pool of IP addresses. आपके पास कई सारे public address हैं. आपके पास कई सारे public addresses हैं. Okay? अब जैसे कोई system है जिसके पास एक private IP address है. तो वो क्या करेगा? वो dynamic net run करेगा. It will run the dynamic net. मतलब the router will run the dynamic net. तो इसमें क्या होगा कि इसमें से जो भी अभी free है, suppose जैसे ये address free है. So it will pick up this address and it will do the assignment of your private IP to this public IP address. Again, you have to define the inside and outside network. Ye clear hua ki nahi hua? Dynamic net is clear? Yes, sir. Okay. So how do you do this thing? So we are going to see that also. So to configure dynamic net, the following steps are required. Configure the router's inside interface using the IP net inside command. Configure the router's outside interface using the IP net outside command. ठीक है, तो हमने inside और outside को configure कर लिया. Configure an ACL. ACL क्या होता है? ACL is basically this pool. Okay. Access control list. ACL stands for access control list. Basically, when you are trying to design a firewall, you have to define the set of rules. These set of rules are defined on access control list. So configure an ACL that has a list of inside source addresses that will be translated. Okay. So, main aapko dikha deta hu ACL. So, ACL are a set of rules which are most commonly used to filter network traffic. Just like I told you, we want to build a firewall. Okay. So, they are used on network devices with packet filtering capabilities. Okay. इस तरह से जैसे किस यूजर को अलाउ करना है, किस यूजर को अलाउ नहीं करना है, दिस इज व्हाट इज बेसिकली अ फायरवॉल, राइट? सो सिमिलर थिंग यू हैव टू डू हियर. यू हैव टू कॉन्फिगर एन एसीएल. ओके, कॉन्फिगर अ पूल ऑफ ग्लोबल आईपी एड्रेसेस यूजिंग द कमांड आईपी नेट पूल नेम फर्स्ट आईपी एड्रेस टू द लास्ट आईपी एड्रेस, देन नेट मास्क सबनेट मास्क कमांड. Enable dynamic net using the IP net inside source ACL number pool global configuration command. So we will do this. Okay, let me do this for you. So एक नया लेते हैं system. Let me take a new file. Let me build it from scratch. Okay, अब देखो simple वही है. एक host है, एक router है और एक server है. ठीक है, तो बनाते हैं इसको. एक होस्ट है, देयर इज वन राउटर एंड देयर इज वन सर्वर. सेम थिंग, होस्ट इज हैविंग द आईपी एड्रेस 10.0.0.100. Okay, and this server is having the IP address 155.4.12.5. ठीक है, बना देते हैं ऐसा. तो होस्ट का आईपी एड्रेस है 10.0.0.100. Then server has 155.4.12.5. Okay, then what else? तो ये भी ये एक प्राइवेट आईपी है बेसिकली 10 डॉट दिस थिंग. ओके, एंड लेट मी असाइन द आईपी एड्रेसेस आल्सो. तो अभी के अभी असाइन भी कर लेते हैं, इससे बाद में ना रह जाए. तो गेटवे, हाँ पहले तो इसको असाइन करते हैं आईपी एड्रेस. दिस इज 10.0.0.100. ओके, एंड
this is .4.12.5. Okay, and default gateway is 155.4.12.1. So this is done. Okay. Now let us move forward. अब हमको क्या करना है? Host A request a web resource from an internet server S1. ठीक है, host A uses its private IP address when sending the request to router R1. Router R1 receives the request, changes the private IP address to one of the available global address in the pool. Okay. And then sends the request to S1. S1 responds to R1. R1 receives the response, looks up in the net table and changes the destination IP address to its private IP address of host A. Okay. To configure dynamic net, the following commands are required on R1. So, सबसे पहले तो हमको, अच्छा हाँ, एक चीज और है, हमको ये डिफॉल्ट गेटवे देना पड़ेगा, which is 10.0.0.1. Okay. PC0, हाँ. So this is FA00 and this is FA01. All right. So first, what are the commands? You go to the interface, you write IPNet inside. You go to the other interface, you write IPNet outside. ठीक है? तो मैं इस इंटरफेस पे जाता हूँ. Then next step, we need to configure an ACL which will include a list of inside source addresses that will be translated. In this example, we want to translate all inside host on the 10.0.0. जितने भी host है उस network पे उन सबको translate करना है. तो हम एक access list बनाते हैं कि इन सबको हमें permit करना है. Permit मतलब हम इन सबको allow कर रहे हैं. Okay? So this is how you make an access list. So let me just do this. ठीक है, we have done this. Now you have to create a pool. अब आपको एक pool बनाना है, कितने IP address आपको डालने हैं. ठीक है, तो IP net pool बनाते हैं. IP net pool, कितने IP address हमको permit करने हैं. अब pool को एक name देना है, जैसे मुझे अलाउ करना है 155.4.12.1 से 155.4.12.5. जैसे मान लो मैं पांच एड्रेस दे रहा हूँ. देन नेट मास्क, ठीक है, दिस इज आल्सो डन. तो हमारे पूल में पांच एड्रेसेस है. लास्टली वी नीड टू एनेबल डायनेमिक नेट आईपी. तो आईपी नेट इनसाइड list one pool. तो pool का नाम है, okay. So I think it is done.
me just see. So you see there is this pool inside source. Okay, so pool to create ho gaya. Okay, so ping karte hain, ping 10.0.0.100. Yes. Okay. अच्छा ये लाइन तो हमने FA01 वी हैव नॉट कॉन्फिगर्ड, तुम लोग बताओ तो कॉन्फिगर तो करना पड़ेगा, FA01 तो हमारा ऑन ही नहीं है. दैट इज व्हाई आईपी एड्रेस configuring the interface ना, router पे कर रहा हूँ. तो router तो वन है ना, डिफॉल्ट गेटवे तो उसका वन है ना. ओके सर. हाँ समझ गए. ठीक है, एक बार पिन करते हैं. ओके okay. अब आप देख रहे हो ये पिंग हो रहा है. एक चीज और यहाँ भी आप देखते हैं, एक बार फिर से स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं. शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, देख रहा हूँ ट्रांसलेशन कैप्चर कर रहे. हाँ सी नो इट इज कैप्चर द ट्रांसलेशन. आर यू एबल टू सी दिस ट्रांसलेशन? इट इज एबल टू कैप्चर द ट्रांसलेशन. ओके, और ये डायनेमिकली किया है इसने, आपकी मैंने देखो खुद से नहीं असाइन किया है, डायनेमिकली फ्रॉम द पूल इट इज पिकिंग अप एड्रेस. From here also if you try to do this it will work. So let me first pin the system 155.4. So everything is pinging fine. Okay. फिर से अगर आप स्टेटिस्टिक्स कैप्चर करोगे तो थोड़ा सा और स्टेटिस्टिक्स कैप्चर होगा, देखो. Okay. So we have done two, which is static and dynamic net. Now we'll be moving to the third one, which is your port address translation. अच्छा अभी भी देखो प्रॉब्लम क्या है. On your machine, there may be many addresses that might be working. Okay, बहुत सारे applications work कर रहे होते हैं. On your machine also, there may be many applications that are working. ऐसा थोड़ी ना है कि आपका IP address तो एक ही है. जैसे मान लो 10.0.0.100
1.12.100, बट आप अगर HTTP सर्विस यूज कर रहे हो तो अलग है, आप FTP सर्विस यूज कर रहे हो तो पोर्ट एड्रेस का मतलब क्या है कि रेदर देन यूजिंग दिस आईपी यू कॉन्फिगर यूजिंग द पोर्ट. ओके, तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज दिस पोर्ट एड्रेस थिंग. तो विद पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन अ सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस इज यूज फॉर ऑल इंटरनल प्राइवेट आईपी एड्रेसेस बट अ डिफरेंट पोर्ट इज असाइन टू ईच प्राइवेट आईपी. मतलब डिपेंडिंग ऑन द सर्विस, जैसे then the service is different. If you are using your file transfer, then the service is different. This type of service is also known as NAT overload and is typically formed in NAT in today's network. Okay. So basically, एक port number से अब आप चीजों को समझते हो. जैसे आप देखो, ये different different IP addresses हैं, but for each IP address, like it has three process. इस system पे तीन process चल रहे हैं. तो port number अलग है. तो अब यहाँ पे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन हो रहा है, मीन्स ये आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट हुआ. ओके, बट नाउ ऑन द सेम पोर्ट यू आर एबल टू कनेक्ट. ओके, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन. सो दिस आल्सो वी कैन बिल्ड अप, एक मिनट, दिस आई शुड सेव, दिस इज आवर डायनेमिक नेट. This is the topology. There are three systems. It is connected to a switch, which is connected to a router, which is connected to a server. Okay. So let us try to build this very quickly. So three switch hai, three systems are basically. In between there is a switch. Which is connected to a server. Okay, this is the basic topology. What are the IP address? 10.0.0.100, 10.0.0.101, 10.0.0.102. Okay, let me write it down. 10.0.0.100. Now what we have, this is how we have to implement the table. This is 155.4.12.5. तो ये वही है जैसे था पहले. तो this is 155.4.12.5. All right. So they are connected to the switch. So now we come to the router part. अभी हमको क्या लिखना है वो देखो. तो अब हम क्या कर रहे हैं, पोर्ट एड्रेसेस पे काम कर रहे हैं. तो कॉन्फिगर द राउटर इनसाइड इंटरफेस यूजिंग द आईपी नेट इनसाइड, दिस इज सेम थिंग. कॉन्फिगर द राउटर आउटसाइड इंटरफेस यूजिंग द आईपी नेट आउटसाइड. कॉन्फिगर एक्सेस लिस्ट. ओके, तो इनिशियली द थिंग्स आर सेम जैसे हम कर रहे थे यहां तक.
ठीक है, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट दिस कमांड इनसाइड एंड आउटसाइड नेटवर्क देन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. ओके, सो जस्ट लेट मी डू इट फॉर यू, और फिर पोर्ट एड्रेस का कमांड देते हैं. लेट मी जस्ट गो बैक इंटरफेस 8 GB 00 आईपी नेट इनसाइड आई थिंक, है ना, दिस इज इनसाइड साइड इंटरफेस 8.01 आईपी नेट आउटसाइड. हमने इनसाइड एंड आउटसाइड नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर लिए. नाउ वी हैव टू डिफाइन द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. एक्सेस लिस्ट वन परमिट दीज मेनी नेटवर्क्स. ओके, दिस वी हैव टू डू ऑन द गीगाबाइट 01 01 पे करना पड़ेगा क्योंकि उधर के साइड है. तो आईपी एक्सेस लिस्ट परमिट मुझे 10.10.0.0.0.0.0.0.255. ओके, देन टू एनेबल द नेट एंड रिफर टू द एसीएल क्रिएटेड. अब उसी इंटरफेस पे मुझे ये लिखना है. ओके, तो जब हम इस GIG 01 लिखते हैं तो दिस इज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन. सो आई हैव टू राइट लाइक दिस, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, मतलब कोई भी अब आपका कमांड होगा वो कनेक्ट होता है. सोर्स लिस्ट वन इंटरफेस गेट 01 ओवरलोड. ओके, आई थिंक इट इज डन. ऑल राइट, अभी तो कोई स्टेटिस्टिक्स जनरेट उतनी होगी नहीं. तो आईपी नेट ट्रांसलेशन ओके, लेट अस स्टार्ट पिंगिंग. पिन करेंगे तो स्टेटिस्टिक्स जनरेट होगी. तो लाइक फॉर एग्जांपल आई ट्राई टू पिंग 10.0.0.100. ओके, so it is able to ping now 10.0.0.101. all right, then let me ping this pin 155. सर्वर ना सर, अब 12.5. नाउ फ्रॉम दिस सिस्टम, अब इस सिस्टम से पिन करने ट्राई करो. देखो तो ये काम करना चाहिए. सपोज हाँ ठीक है, so you see you are able to connect to the server. okay, when we have done the port addressing, aise aap kisi bhi system se you can go and check, it will work. and now if you try to generate the statistics, you will be able to see the statistics. statistics, okay, dekho yahan kya likha hai, four dynamic four extended. तो डायनेमिक आपने पूल बनाया है और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन अभी आप कर सकते हैं, एक्सटेंडेड भी है यहाँ पे. देन शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस,
So you are able to get the translations. Okay. Even if you go to some system or आप ब्राउजर ओपन करते हो, यू आर सी यू आर एबल टू पिंग इट थ्रू योर वेब HTTP प्रोटोकॉल. देखो मैंने क्या लिखा है, यू गेट माई पॉइंट और नॉट? तो दिस इज पोर्ट 80, ब्राउजर से मैं चला रहा हूं, देन ऑल्सो इट इज वर्किंग. तो ये पोर्ट, दिस इज योर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन. मैं बंद करके दोबारा चलाता हूं. सर्वर रीसेट कनेक्शन. अच्छा ये राउटर पे नहीं भेज रहा है, सर्वर पे कनेक्ट कर रहा है डायरेक्टली. ठीक है, इट्स ओके, फाइन. Then also, इसमें नहीं है. ओके, यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई एम एबल टू पिंग ईच एंड एवरी सिस्टम एंड आई एम एबल टू कनेक्ट टू द ब्राउजर. ब्राउजर से भी मैं पिंग कर पा रहा हूं. ओके, so this is what is the meaning of port address translation, means from port 80 also I am able to ping. So I have discussed practically with you. Okay sir, ye point 80 wala samajh mein nahi aaya. Point 80 wala ye hai na, dekho simple, jab aap browser se ja rahe ho, dekho port address ka matlab kya hai ki aap jaise for example if you are using the http service to port kya hai aapka 80 hai. If agar aap ftp service use kar rahe ho to port kya hai, FTP मतलब फाइल ट्रांसफर, पोर्ट इज 23, राइट? तो अब अगर मान लेते हैं कि अगर मैं सिर्फ डायनेमिक नेट करता, अगर मैं सिर्फ डायनेमिक नेट करता तो मैं किसी सिस्टम से, ये सर्वर है, मतलब मैं एक इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, उससे मैंने आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एक पब्लिक आईपी को पिंग कर पा रहा हूँ. ओके, डायनेमिक नेट में ये हो जाएगा. बट वंस आई एम राइटिंग, सी आई एम गोइंग टू द ब्राउजर, वंस आई एम राइटिंग दिस थिंग, तो ये कौन सी रिक्वेस्ट गई है? विच रिक्वेस्ट इज दिस? दिस इज एचटीटीपी रिक्वेस्ट, राइट? यू आर एबल टू पिन दिस वेबसाइट, दिस वेब सर्वर यूजिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट. मतलब इस टाइम पे इसने पोर्ट का भी यूज किया है, राइट? नॉट ओनली दिस सिस्टम, यू पिक अप एनी सिस्टम. आप कोई भी सिस्टम से पिन करके देखो, लाइक इफ यू पिक अप दिस सिस्टम. ओके, लेट मी सी, फ्रॉम PC1 from here also you try to do the same thing. See? Okay sir. Okay, so इसके लिए आपने कमांड किया, आपने अलग क्या किया वो आपको समझ में आना चाहिए कि देयर इज वन थिंग विच इज नोन एज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलोड, सॉरी पोर्ट एड्रेस ओवरलोड. वो आपने लिखा है यहाँ पे, देखो एट द लास्ट लाइन आई हैव रिटन दिस थिंग, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 इंटरफेस गीगाबाइट 01 ओवरलोड. तो जब आप ये लिखते हैं तो बेसिकली व्हाट यू डू, दिस इज योर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन. ओके, सो थ्योरेटिकली ऑल एवरीथिंग इज मेन, आई हैव शोन यू प्रैक्टिकली, तो अभी थ्योरेटिकली आपको समझ में आ जाएगा. ये नेट पुल बनाते हैं, ठीक है, एवरीथिंग आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ, है ना? तो आई नॉट गॉन थ्रू द स्लाइड्स, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि ये चीजें कैसे वर्क करती है. देन इन द नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू द टनलिंग, जो हम लोग ये वाली बात कर रहे हैं ना, ये जो इससे पहले हम बोल रहे थे कि आईपी V4 नेटवर्क से V6 नेटवर्क, V6 से V4, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा. ओके ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन. यस सर, क्लियर. ओके ओके देन, थैंक यू सर. Okay, yeah.